झारखंड विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। राजधानी रांची के पंडरा स्थित कृषि उत्पाद बाजार समिति में काउंटिंग को लेकर विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। काउंटिंग विधानसभा वार के हिसाब से तय कर लिया गया है। इसके तहत हटिया विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 23 राउंड की काउंटिंग होगी। इस क्षेत्र में 496 मतदान केंद्र है। इसके साथ ही कांके विधानसभा क्षेत्र के लिए 22 राउंड की काउंटिंग होगी। इस क्षेत्र में 482 बूथ है। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 18 राउंड की काउंटिंग होगी, जबकि मांडर में 20 राउंड, तमाड़ में 19 राउंड और खिजरी में 21 राउंड की काउंटिंग होगी। रांची, हटिया, कांके, मांडर, तमाड़, सिल्ली और खिजरी विधानसभा के वोटों की गिनती के दौरान स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहले लेयर में सुरक्षा केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जिम्मे है, जबकि राज्य सशस्त्र बल के जवान दूसरे लेयर की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। वहीं तीसरे लेयर की सुरक्षा व्यवस्था राज्य पुलिस के हवाले है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया है कि 2 फेज में हुई वोटिंग में कुल प्रतिशत 67.74% रहा है। हालांकि पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। वोटिंग में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की तादाद दिखी है। साथ ही शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रही है। 23 नवंबर को सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी, उसके बाद ईवीएम के वोट्स की गिनती शुरू की जाएगी। वहीं पहले राउंड की काउंटिंग का रिजल्ट 9:30 बजे तक आने की संभावना है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।